ट्रंप पर हुए इस हमले के पीछे जो हमलावर है वो पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है, जिसे हमले के तुरंत बाद यूएस सीक्रेट के एजेंट्स ने ढेर कर दिया। इस हमले की अब हर पहलू से जांच चल रही है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेज कहां पर था और हमलावर कहां पर था। आप देख सकते हैं कि ट्रंप के मंच से महज 140 मीटर यानी करीब करीब 400 फीट की दूरी पर एक छत पर हमलावर घात लगाकर बैठा हुआ था और उससे काफी पास एक और इमारत की छत पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर एजेंट जो थे, स्नाइपर हाथ में लिए, वो बैठे हुए थे, जिन्होंने ट्रंप पर हमला करने वाले हमलावर को तुरंत मार गिराया। इसी से कई सवाल सामने आए कि क्या ऊंची इमारत पर मोर्चा लिए सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स को हमलावर नहीं दिखा या उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। इस बीच ऐसे कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें दिख रहा है कि ट्रंप के मन से महज 140 मीटर दूर हमलावर क्रुक्स अमेरिकन ग्लास रिसर्च बिल्डिंग की एक छत पर लेटकर मोर्चा लिए हुए था और ट्रंप को निशाना बना रहा था। सोशल मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छत के आसपास के कुछ लोगों ने इसे लेकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को सतर्क भी किया, जानकारी भी दी, लेकिन वो समय पर वो एजेंट्स कोई कदम उठाने में नाकाम रहे थे। यही नहीं, ट्रंप की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के कुछ स्नाइपर्स आसपास की ऊंची इमारतों में मोर्चा लेकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी इस हमलावर को समय रहते ना देख पाए ना इसको रोक पाए। ये भी सवाल उठ रहा है कि ट्रंप की रैली के इतने पास एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचने की इजाजत हमलावर को कैसे दे दी गई। इसी सब का नतीजा ये हुआ कि हमलावर ने ताबड़तोड़ कई गोलियां दाग दी। एक गोली ट्रंप के दाएं कान को छेदते हुए निकल गई। बटलर की इस रैली में क्रुक्स ने जैसे ही एक छत के ऊपर से फायरिंग शुरू की, सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने उसे मौके पर ही जवाबी फायर में ढेर कर दिया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक क्रुक्स ने जिस गन का इस्तेमाल किया था वो है AR स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी, जिसे कानूनी तौर पर खरीदा गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि हथियार क्रुक्स के पिता ने खरीदा था। हमले के बाद जांच टीम ने क्रुक्स के कान में एक संदिग्ध डिवाइस भी पाई है, जिसकी जांच चल रही है। जांच एजेंसियां क्रुक्स के फोन के डेटा की भी जांच कर रही हैं। साफ है अमेरिका में इस मामले की बहुत ही गंभीरता से जांच अब शुरू हो चुकी है।